आने जाने में किराया भी बहुत लगता है, मगर सुन लीजिए कि जब से घर वो मेरे आने जाने लगे लाल चंदन। एक बार देख लीजिए, आप लोग ही पलट के देख लीजिए, ताली बजा दीजिए उनके लिए कम से कम। बाबा है, अरे ब्रह्मचारी है, हम इसका भी जवाब देंगे आपको कि जब से घर वो मेरे आने जाने लगे तब से दीवारों दर मुस्कुराने लगे। जब से घर वो मेरे आने जाने लगे घर के दीवारों दर मुस्कुराने लगे। एक पल में वो मुझसे जुदा हो गए जिनसे मिलने में हमको जमाने लगे। प्यार में उनके जोगन में ऐसी बनी लोग पागल समझकर सताने लगे। उनसे मिलने को जो रोकते थे मुझे आज वही उनसे मिलने को जाने लगे। एक बार ताली बजा देंगे आप। वो ऐसा है इसलिए, वो ऐसा है चंदन वाले भैया और चश्मा वाले भैया ध्यान देंगे, वो ऐसे नहीं आपको छोड़े। उनका स्पष्ट कहना था कि जिनके याद में हम दीवाने हो गए आज वो हमसे बेगाने हो गए। जिनके याद में हम दीवाने हो गए आज वो हमसे बेगाने हो गए। शायद अब उन्हें तलाश है एक नए दोस्तों की, क्योंकि उनकी नजरों में अब हम पुराने हो गए। क्या बात है, पुरानी चीज तो और जो है ना, जैसे आप लोग सुने होंगे, अगर कुछ होता है तो लगता है पुरानी चीज बहुत याद आती है और पुरानी चीज कभी भुलाई नहीं जाती है, जिस तरह से पहली मोहब्बत भूली नहीं जाती है। और जितने लोग हैं पता नहीं आजकल तो वाकई में खत कहाँ चला गया, अब तो मोबाइल में लिखते हैं, डिलीट करते हैं लोग। सुबह कुछ प्यार होता है, शाम को पता नहीं फिर यार बदल जाता है। यानी इसका जवाब मैंने पहले ही दिया है कि आजकल का जो ये मोहब्बत है आज भी बरकरार है, हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कहते हैं दोस्तों की मोहब्बत करने वाले को दीवाना कह दिया, प्यार में जलने वाले को परवाना कह दिया, दफना दिया मोहब्बत को इन पत्थरों के नीचे, हम लोगों ने उसे ताजमहल का आशियाना कह दिया। और एक बात सुन लीजिए, अगर बुरा वक्त आ जाए ना, जितने लड़कियों से दोस्ती करने वाले हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि माता पिता से मोहब्बत कर लो, दोस्त से मोहब्बत कर लो, हम जैसी लड़कियों से मत करना। तू हटवा कि नहीं कैमरा पीछे बा, और देख लीजिए, कोई बात नहीं है, सबों को मौका देंगे बारी बारी से। और जब लड़की की बारी आती है ना, हम जैसी लड़कियां सबसे पहले साथ छोड़ के भाग जाएगी, मगर दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता है। अपने दोस्तों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, दोस्त बुरा वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ता है। अरे कहते हैं कि कोई दौलत पे नाज करते हैं, कोई शोहरत पे नाज करते हैं, आप जैसा दोस्त जब हमारे साथ है इसलिए हम अपने किस्मत पे नाज करते हैं। कौन कहता है दोस्त कि तुमसे हमारी जुदाई होगी, अरे ये अफवाह जरूर किसी दुश्मन ने फैलाई होगी, हम शान से रहेंगे तुम्हारे दिल में, अरे ये दो दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। दोस्त वो होता है कभी छोड़ के साथ नहीं जाते हैं। और देखिए कोई कोई कुछ लोग ताली बजा रहे हैं तो लगता है कि खैनी लटा रहे हैं, कोई बात नहीं, लटाते रहिए, अपना अपना काम करते रहेंगे। आप लोग ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, सबसे पहले तो आपका बॉडी एक्सरसाइज, जितना आसपास में मच्छर होंगे सब के सब, कहते कि मच्छर ने आपको काट लिया, ये उसका जुनून था, आपने वहां पे खुजलाया, ये आपका सुकून था, अरे आप चाह करके भी उसको मार नहीं सके क्योंकि उसके रगों में आपका खून था। क्या बात है, अब दोबारा थाली ताली पीटने की नौबत नहीं आएगी, ताली बजती रहेगी तो सारा कोरोना दब के मर जाएगा इसी में। और हमारे मित्र लोग जानते हैं कि घर घर में ताली कौन बजाता है, रेलवे में ताली कौन बजाता है, इसलिए लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। लेकिन जो हमारे वीर नौजवान हैं ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कलाकार जो होते हैं तालियों के भूखे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम भाव के भूखे हैं, कुछ लोग भात के भूखे होते हैं, लेकिन हम लोग कलाकार हैं ताली के भूखे होते हैं। हम वो हैं जो किसी की उल्फत में अपनी जान दे जाते हैं, और जिसने भी हमारी वफा को ठुकरा कर किया हमें बेआबरू, हम उनकी बेरुखी को भी सम्मान दे जाते हैं। तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। आइए चलते हैं खूबसूरत सा ये डांस का प्रोग्राम, और आइए चलते हैं प्लेबैक रिकॉर्डिंग डांस को आगे बढ़ाते हुए। हमारे बीच आने के लिए तैयार है बहुत ही खूबसूरत सी एक नन्ही सी परी है, और बहुत ही अच्छा नाम है, आप हैं बुलबुल जी। देखते हैं ये प्यारा सा प्लेबैक बुलबुल।